राजनांदगांव जिले में कलेक्ट्रेट पहुंचे एक परिवार ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम उपरवाह है, जहां गांव के कुछ दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि गाँव के लोग बात नहीं कर रहे हैं और न ही दुकान से सामान दे रहे हैं, जिससे परिवार पिछले कई महीनों से इसका दंश झेल रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि गाँव के दबंग अनुज राम साहू, कलीराम साहू, पूरन लाल साहू, रवि साहू, जिसके कारण हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। यहां तक कि पीड़ित परिवार के खेत में जाने की मनाही है। मैं कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए आया हूं। दरअसल 2.5 महीने पहले कलेक्टर के पास फिर से आया था कि हमारे गांव में पौनी पसारी बंद कर दिया गया हमारे परिवार का, और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं दोबारा से कलेक्टर साहब के पास फिर से आया हूं ताकि इच्छा मृत्यु की मांग कर सकूं। इसके पहले मैं शिकायत किया था, तहसीलदार के पास भी गया था, तहसीलदार साहब समझा के चले गए हैं, फिर वे गांव वाले नहीं मान रहे हैं। बोलते हैं कि कानून का नहीं चलेगा हमारे गाँव में, सिर्फ हमारा ही चलेगा। इससे घर के सामने मैं छोटा सा पिल्लर बनाया हूँ, उसको अवैध बोलते हैं, जबकि वो मेरे जमीन में है, मेरे पूर्वज की जमीन में बने। मैं उन लोग को बोला भी हूँ, यदि आप लोग को आपत्ति है तो आप कलेक्टर के पास आवेदन लिख के ला लो, मैं तोड़ दूंगा, फिर भी नहीं माने।